ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो भाई हम लोग आज अपना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग करने जा रहे हैं, और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से निकलने के बाद भाई इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए हम पुणे से नासिक की तरफ रवाना होते हैं। और नासिक की तरफ रवाना होने के साथ साथ भाई ये नज़ारे मुझे एक्सपेक्ट नहीं थे कि इतने खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। तो इन नज़ारों का आनंद लेते हुए हम चलते हैं 200 किलोमीटर का सफ़र पुणे से नासिक का तय करने के लिए। तो ये सफ़र हमें जो टाइम लगने वाला है कम से कम भी 6 घंटे, तो 6 घंटे लगाने के बाद हम फाइनली पहुंचने वाले हैं नासिक। नासिक पहुंचने के बाद भाई हम सीधा एंट्री ले लेते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव टेंपल के लिए इस गेट से, जो कि ये सामने है। तो इस गेट से एंटर होने के बाद ही आपको सीधा मंदिर में एंट्री मिल जाएगी। मंदिर में एंट्री होते के साथ ही भाई मैं देखता हूँ इतनी ज़्यादा भीड़, और इस मंदिर की एंट्री के बाद यानी कि जो मंदिर में दर्शन करने का जो टाइम है वो लगने वाला भाई 2 से 3 घंटे। तो 2 से 3 घंटे के लिए तब तक हम सबर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन में हमें महादेव जी के श्रृंगार की वीडियो पूरी दिख रही है। तो श्रृंगार हो रहा है, और इस श्रृंगार को होने में भी लगभग मैं कह रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि पूरी वीडियो मैं लाइन में लगते हुए देखते था और साथ में जितने भी भक्त सारे लाइन में लगते हुए देख रहे थे। तो इसके बाद हम प्रवेश कर जाते हैं मंदिर के मेन गृह में। मेन गृह में घुसते के साथ ही हमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की तस्वीर दिखाई देती है। उसको प्रणाम करके हम सीधा आगे बढ़ते हैं और सीधा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, क्योंकि छूने को वो तो देंगे नहीं, तो बिना छुए इस ज्योतिर्लिंग को देख के हम अच्छी तरह निहार के हम बाहर निकल जाते हैं। और मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ अपना 7वां ज्योतिर्लिंग करने के बाद। तो भाई ये खुशी तो तुम्हें दिखी रही होगी, तो जाहिर है ये खुशी के बाद हम सीधा अपना 7वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने के बाद इसको प्रणाम करके मंदिर को हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। और घर की तरफ हम जाते हैं भाई प्लेन से आपकी वारी। तो हो करता हूँ अच्छी लगी वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना और सपोर्ट बनाए रखना और टच में रहना भाई, लोग टच में रहना, ठीक है। चलो मिलते हैं।